तो फाइनली अटैक ऑन टाइटन का एपिसोड आ चुका है एंड मैं फिर से फाइनल सीजन फाइनल पार्ट फाइनल थिंग नहीं करूंगा क्योंकि आई फॉरगिव जितना भी वेट इसने कराया है उसके लिए और जितना ये वेट और करवाने वाला है उसके लिए भी क्योंकि इट इज एक्चुअली रियली वेरी वेरी गुड इवन बेटर देन व्हाट आई इमेजिन्ड मापा ने एक्चुअली कोई कमी नहीं छोड़ी है एज ऑफ नाउ मैं एपिसोड को 3 बार देख चुका हूँ एंड आई कांट सी एनी फ्लॉज क्योंकि मैं अंधा हूँ प्यार अंधा होता है एंड मैं अटैक ऑन टाइटन से प्यार करता हूँ एंड सम लॉजिक लाइक दैट फिलहाल अगर तुम यहाँ किसी तरह का अटैक ऑन टाइटन हेट रेट कंज्यूम करने आए हो तो यू आर इन द रॉन्ग प्लेस माई फ्रेंड क्योंकि यहाँ आई विल बी एक्सलिकिंग अटैक ऑन टाइटन फॉर 5 मिनट्स स्ट्रेट तो अगर बात की जाए कैरेक्टर्स उनके मोटिवेशन स्टोरी टेलिंग हिडन मीनिंग्स की तो वो सब हम कभी और डिस्कस कर लेंगे आज हम सिर्फ इस एपिसोड के बारे में बात करेंगे कि एज एन अडेप्टेशन ये कैसा था क्या इसने मांगा को जस्टिस दिया क्या इसने एओटी के अडेप्टेशन को अपने प्रेडिसेसर से अच्छा बनाया तो इसको डाइसेक्ट करने के लिए हमें जाना होगा उस सीन पर जिससे मेरी सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी फ्रीडम मैं वैसे तो किसी भी चीज को बिल्कुल मिनिमल एक्सपेक्टेशंस रख के ही देखना पसंद करता हूँ ताकि मैंने पहले से जो उसके बारे में सोच रखा है वो मेरे एक्सपीरियंस पर ज्यादा प्रभाव ना डाले लेकिन इस पर्टिकुलर सीन से मेरी उतनी ही एक्सपेक्टेशंस थी जितनी और बाकी लाखों फैंस की क्योंकि ये सीन एक्चुअली पूरे अटैक ऑन टाइटन में सबसे पावरफुल सीन है ये अटैक ऑन टाइटन के फ्रीडम सीकिंग सेंटिमेंट को एक कंक्लूजन तक लेकर जाता है भले ही वो सिर्फ थोड़ी सी ही देर के लिए क्यों ना हो लेकिन है एरन जैसे जैसे दूसरों की फ्रीडम छीनता है उसको खुद की फ्रीडम महसूस होती है माय पॉइंट इज दिस सीन डिलीवर्स अ कंक्लूजन टू समथिंग दैट इज अ फंडामेंटल थीम ऑफ दिस शो इटसेल्फ समथिंग दैट इट्स मेन कैरेक्टर हैज ऑलवेज बीन लुकिंग फॉर हेंस इट कैरीज अ रियली हैवी वेट फॉर द स्टोरी एंड ये चीज मांगा में बहुत अच्छे से डिलीवर हुई थी इसे आमा को ऑब्वियसली स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छे से आती है सो ही रोट अ रियली ग्रेट एंड इम्पैक्टफुल चैप्टर एंड ही मेड अ पैनल दैट मेड अस फील Aaron's freedom as well as his guilt to achieve it. एंड बाकी का काम हमारी इमेजिनेशन कर देती है जब तक कोई चीज ठीक से रिटन है हमारी इमेजिनेशन उसको उसकी मैक्सिमम लिमिट्स तक एनहांस कर सकती है एंड ऐसा ही हुआ इस पैनल ने स्टोरी के उस वेट को डिलीवर किया एंड इसीलिए ये अटैक ऑन टाइटन का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पैनल है इवन अगर तुम गूगल पर जाकर सर्च करते हो अटैक ऑन टाइटन पैनल तो ये पैनल सबसे पहले पॉपअप होगा एंड जब कोई चीज इतना भारी वेट कैरी करती है तो उससे जुड़ी होती है बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस Expectations of a number of people who imagine a number of different things with just one scene. और जब ऐसा होता है तो आता है प्रेशर उन लोगों पर जो उसको अडेप्ट करके हजारों लाखों लोगों की इम्पॉसिबल एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना चाहते हैं मुझे नहीं पता कि तुम लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस रही थी लेकिन मेरे लिए रामजी वाला आर्क और ये फ्रीडम पैनल बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे दिमाग में इसके लिए बहुत क्लियर इमेज तो नहीं थी कि मैं क्या चाहता हूँ कि ये कैसा हो लेकिन जो भी हो इट शुड बी प्रिटी फकिंग एपिक एंड मेमोरेबल मैंने कई तरह की चीजें इमेजिन की थी जैसे कि अगर वो म्यूजिक के लिए बिफोर लाइट्स आउट यूज करें तो अच्छा रहेगा इट गोज वेल विद द सीन एंड इट इज एपिक फ्रीडम फ्रीडम Forget. या फिर सवानो का ही बनाया हुआ एक और ट्रैक केज वो भी बहुत अच्छा रहता इट इज हैप्पी एंड सैड एंड अग्रेसिव एट द सेम टाइम एंड इट इज अबाउट फ्रीडम एंड Dreams that can never be. It would be a perfect choice as well. लेकिन जो एनिमे में मुझको मिला वो बिल्कुल अलग था. There was nothing epic about this scene. बल्कि पूरे टाइम एक unsettling सा environment था. There is no heroism in Aaron snatching freedom, lives, hopes and dreams of all these people. It is just sad, unjust, regretful and yet something he has to do. एंड अगर मैं सच कहूं तो ये वो नहीं था जो मैं सोच रहा था ये उस तरह से एपिक और मेमोरेबल बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ जो मैंने इमेजिन किया था एंड येट आई वॉज कम्प्लीटली ग्लूड टू द स्क्रीन एज इफ ऑल द इमेजरी म्यूजिक एंड द एनवायरमेंट दैट वॉज पुट टुगेदर केयरफुली फॉर दिस वन सीन
hypnotized me. And before I could even react or think what was happening, it was over. जानते हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है they succeeded. वो जो अचीव करना चाहते थे वो हो गया. हालांकि वो उससे अलग था जो मैं सोच रहा था, but it was done perfectly on their part. वहां वही एनवायरमेंट होना चाहिए था, कुछ और होता तो शायद गलत होता. So they not only nailed what it should mean and represent, they also made it so captivating that I couldn't take my eyes off of it. और यकीन करो, अगर वो ये सीन पुल ऑफ कर सकते हैं तो बाकी सब कंपैरेटिवली बहुत आसान है. इसके अलावा एक हांजी की डेथ थी जिसको मांगा में वेल रिसीव नहीं किया गया था बिकॉज ऑफ हाउ इनसिग्निफिकेंट इट फेल्ट. तो उसको इम्प्रूव करना जरूरी था और मैंने पूरी उम्मीद भी लगाई थी कि थोड़ा सा ही सही बट उसके पे ऑफ को एक एलिवेशन मिलना चाहिए. एंड ब्लडी हेल दे डिड इट एज गुड एज इट कुड बी. पूरा ओडियम गियर सीन फुल ऑर्गेजमिक था एंड हांजी एक्चुअली कुछ अचीव करती है. ऑल्दो ये हमेशा अटैक ऑन टाइटन के राइटिंग स्टैंडर्ड से हमेशा ही एक वीक पॉइंट रहेगा, बट एज एन अडेप्टेशन दे अपलिफ्ट it and gave it a meaning as much as they could. They kind of fixed a flaw from the manga. And I think ये दो चीजें अच्छी तरह से समराइज कर देती हैं इस पूरे एपिसोड के एक्सपीरियंस को. इस एपिसोड का प्रोडक्शन ताबड़तोड़ है एकदम मूवी लेवल. हर चीज को जितना हो सके एफर्टफुली बनाया गया है. एक दो चीजें शायद फॉल्टर करती हैं बट एज अ होल इट रियली होल्ड्स स्ट्रॉन्ग. रंबलिंग का स्केल, तबाही और कत्लेआम, खौफ और तकलीफ, हेल्पलेसनेस, बचरिंग ऑफ यंग एंड ओल्ड, पुअर एंड रिच, प्रिजनर्स एंड फ्रीमैन, थीव्स एंड अनेस्ट पीपल अलाइक वॉज रियली अ साइट टू विटनेस. ये कहना गलत नहीं होगा कि मापा हैज रियली आउट डन देमसेल्व्स दिस टाइम. This episode is everything I wanted it to be. ये ना सिर्फ मांगा की स्टोरी को परफेक्टली डिलीवर करता है और उस पूरे एनवायरनमेंट के एसेंस को उसके ट्रू फॉर्म में कैप्चर करता है, बल्कि एडिशनल सीन्स से इस पूरे एक्सपीरियंस को एलिवेट भी करता है. एंड आई हैव एब्सोल्युटली नो कंप्लेंट्स विद दिस एपिसोड. The action, the small character moments, the massively big things that matter for the overall story, internal conflicts of characters, their regrets, hatred for their own actions, and the conviction to still keep fighting even when they are not sure anymore ki kya sahi hai kya galat. Rumbling ko roka to kya hoga aur nahi roka to kya hoga. Everything is done to perfection. Although यहाँ तक आने में टाइम लगा एंड हो सकता है कि अगर स्टूडियो चेंज नहीं हुआ होता तो और भी अच्छा हो सकता था, बट दिस इज नॉट बैड इन एनी वे. एंड अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि एनिमे कोई ओरिजिनल एंडिंग की तरफ डाइवर्ट करे या मांगा की एंडिंग के एसेंस को ही कैरी करे, बिकॉज नाउ आई कैन ट्रस्ट मापा कि वो इस ऑलमोस्ट परफेक्टली रिटन स्टोरी को, जो कि इतनी बड़ी पजल की तरह है जिसका हर हिस्सा जरूरी है, जिसने एक भी सेकेंड के लिए समय को बर्बाद नहीं किया, सब कुछ इतनी डेप्थ के साथ मीनिंगफुल रखा स्टोरी को भी और फिलोसफी को भी, जिसने इतने सालों तक हमें बिना रुके एंटरटेन किया, वो उसे अपनी पूरी कैपेबिलिटी और केयर के साथ उसके परफेक्ट कंक्लूजन तक लेकर जाएगा, जो कि ये अनइमेजिनेबली कॉम्प्लेक्स एंड ट्रेजिक टेल राइटफुली डिजर्व करती है. मापा, टेक ऑल द टाइम यू वॉन्ट, जस्ट प्लीज मेक इट गुड, बिकॉज आई रियली लव दिस शो एंड आई वॉन्ट इट टू हैव अ परफेक्ट.